हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल स्टॉक्स क्लब में आपका स्वागत है। तो आज मैं काफ़ी लेट हो गया और फोन से ही ट्रेड प्लान कर लिया था। तो चलिए सबसे पहले अपन मैं ट्रेडिंग व्यू के अंदर आ जाता हूँ और ट्रेडिंग व्यू के अंदर देखता हूँ। देखो ट्रेडिंग व्यू के अंदर मैं आ चुका हूँ और एक अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर बना हुआ है इसके अंदर। और अभी मार्केट 52,080 पे चल रहा है मार्केट। तो मैं आपको मेरा ट्रेड बताता हूँ, मैंने कहाँ ट्रेड प्लान किया। तो मैं फायर्स के अंदर आ जाता हूँ, मैं फायर्स के अंदर ट्रेड करता हूँ। फायर्स बहुत ही इजी प्लेटफॉर्म है। अगर आपको भी डीमेट अकाउंट खोलना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप जाके डीमेट अकाउंट खोल सकते हैं। देखो अभी मेरा लॉस चल रहा है 1100 का लॉस चल रहा है। वो देखो मार्केट एक ऊपर की तरफ नीचे की तरफ मोमेंटम कर रहा है। और मेरा अभी देखो मैं आपको बताता हूँ मैंने कहाँ पोजीशन हेड गया। तो वो अपन ऑर्डर के अंदर चलते हैं और देखते हैं। मैं ऑर्डर के अंदर आ चुका हूँ। देखो मैं 90 क्वांटिटी में ट्रेड प्लान किया हूँ। मैंने 102.70 पे मैंने एंट्री किया और मेरा बेहतर का ऐसे लगा चुका हूँ इसके अंदर। अभी मेरा लॉस चल रहा है 1000 का। तो देखते हैं देखो मार्केट का इंसेंटिव किस प्रकार से रहता है। मैं बिल्कुल वेट करके ट्रेड प्लान करने वाला हूँ। तो मैं इसके अंदर दो चार्ट इंक्लूड कर लेता हूँ। एक तरफ बैंक निफ्टी लगा लेता हूँ। तो देखो इस तरफ अपन बैंक निफ्टी लगा लेते हैं और ये निफ्टी चल रहा था। वो निफ्टी भी एक अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर हुआ है। फर्स्ट कैंडल ही 140 पॉइंट की कैंडल बनी हुई है और ये अभी भी ऊपर की तरफ मोमेंटम कर रहा है। तो अपन बैंक निफ्टी देख लेते हैं, बैंक निफ्टी का क्या मोमेंटम है। देखो बैंक निफ्टी एक नीचे की तरफ मोमेंटम करके और वापस एक ऊपर की तरफ पुल बैक दे रहा है। और मैं इसके अंदर 5 मिनट के अंदर देख लेता हूँ कि 5 मिनट का क्या मोमेंटम है। देखो 5 मिनट के अंदर एक वापस से अप ट्रेंड का मोमेंटम कर रहा है। तो अपन देखेंगे, आज भी अपना लॉस होता है प्रॉफिट होता है, लेकिन मेरा 1:1 का टारगेट कंप्लीट हो रहा है। मैं बिल्कुल सेटअप के अनुसार काम कर रहा हूँ और मैं 1:2 का ही प्लान कर रहा हूँ। देखो अभी मेरा लॉस चल रहा है 1230 का और 1200 का, और इस रेंज को ये तोड़ता है तो अच्छा खासा अपने को टारगेट मिल सकता है। तो देखते हैं देखा मार्केट का इंसेंटिव किस प्रकार से रहता है। तो मैं इसके अंदर 5-15 मिनट के अंदर आ जाता हूँ और 15 मिनट के अंदर देखता हूँ। अगर इस ट्रेड का 50% क्रॉस होता है तो एक बाइंग की तरफ मोमेंटम कर सकता है। देखो ये वापस तेजी की तरफ मोमेंटम आ रहा है और मेरा लॉस चल रहा है 1500 का। आज का अपन देखते हैं देखा लॉस होता है प्रॉफिट होता है। मैं इसके 5 मिनट के अंदर लगा लेता हूँ और 5 मिनट के अंदर देखता हूँ देखा 5 मिनट के अंदर क्या मोमेंटम है। देखो 5 मिनट की तरफ वापस से नीचे की तरफ मोमेंटम कर रहा है। अभी 1800 साढ़े 1800 का मेरा लॉस चल रहा है। देखो वापस से ऊपर की तरफ एक मोमेंटम कर रहा है अच्छा खासा। ये 77-78 की कैंडल बना चुका है। और अपन यहाँ पर निफ्टी देख लेते हैं निफ्टी का क्या मोमेंटम है। देखो निफ्टी भी सिमिलर रेंज में ऊपर की तरफ मोमेंटम कर रहा है। अगर इसका 50% क्रॉस करता है तो बाइंग की तरफ मोमेंटम कर सकता है। और आज निफ्टी के अंदर एक्सपायरी है। तो देखो अभी लॉस चल रहा है मेरा 1500 साढ़े 1500 का। एक ऊपर की तरफ ये प्राइजेक्शन अगर एक ऊपर की तरह एक मोमेंटम बनाता है 102 के ऊपर निकलता है तो अपने को एक टारगेट मिल सकता है। और इसका टारगेट देखो 167-168 का रहेगा, जो अपना 1:2 टारगेट भी कंप्लीट हो सकता है। अभी देखो 1400 और 1500 वापस धीरे धीरे रिकवर हो रहा है। तो मैं इसके अंदर 50 मिनट के अंदर वापस आ जाता हूँ और 50 मिनट के अंदर देखता हूँ। देखो 50% ये क्रॉस अभी तक नहीं किया हुआ है और ऐसे ही ऊपर की तरफ एक मोमेंटम कर सकता है। तो मैं निफ्टी देख लेता हूँ। देखो बैंक निफ्टी के अंदर देखो एक इसके अंदर भी 50% का करेक्शन है। मैं 50% इसको मार्क कर लेता हूँ। 52,150 पे ऊपर निकलता है तो बाइंग का मोमेंटम बन सकता है वापस से। तो देखते हैं देखो मार्केट का इंसेंटिव किस प्रकार से रहता है। मैं आपको आगे जाके बताऊंगा कि मेरा लॉस हुआ प्रॉफिट हुआ। सेकेंड 50 मिनट का कैंडल क्लोज हो चुका है और मैं आपको बताता हूँ ये लो लगा के आया, छिंदर का लो लगा के आया और वापस से 1400-1500 का मेरा अभी लॉस चल रहा है। और देखो सेकेंड 50 मिनट का कैंडल क्लोज हो चुका है और 9:50 हो चुका है। तो अभी भी अपन मार्केट में बने हुए हैं। तो अपन देखते हैं आज का प्रॉफिट होता है लॉस होता है। तो मैं ये 5 मिनट का चार्ट लगा रखा हूँ तो इसको मैं 15 मिनट के अंदर मैं आ जाता हूँ और 15 मिनट के अंदर देखते हैं क्या इंसिडेंट है। देखो 15 मिनट की तरफ एक वापस ऊपर की तरफ मोमेंटम किया। अगर ये 102 को क्रॉस करता है तो अपने को प्रॉफिट होगा, नहीं तो आज भी अपन लॉस में बंद करने वाले हैं। तो देखते हैं मार्केट का इंसेंटिव किस प्रकार से रहता है। अभी देखो 1300 साढ़े 1300 वापस धीरे धीरे रिकवर हो चुका है। और ये निफ्टी देखते हैं निफ्टी का क्या मोमेंटम है। देखो निफ्टी के अंदर आ जाता हूँ और मैं निफ्टी के अंदर देखता हूँ देखो निफ्टी का क्या मोमेंटम। देखो निफ्टी वापस से नीचे की तरफ आ रही है और निफ्टी 24,300 के नीचे निकलता है एक अच्छा खासा सेलिंग आ सकता है इसके अंदर। और बैंक निफ्टी वापस से देखो वापस से मोमेंटम करने लग गया। बैंक निफ्टी के अंदर 52,000 के नीचे निकलता है तो एक सेलिंग प्रेशर आ सकता है एक अच्छा खासा। और अपने को 200-250 कैंडल बन सकती है। तो देखो मैं इसके अंदर वापस ये लगा लेता हूँ। मैंने 50,800 का पुट ले रखा है और तो मैं 50,800 का पुट लगा लेता हूँ इसके अंदर। काफ़ी दूर का प्रीमियम है। तो देखो 1200-1250 का मेरा अभी लॉस चल रहा है और एक समय मेरा 2100-2200 का लॉस चल रहा था, वापस से धीरे धीरे रिकवर हो चुका है। अगर ये नीचे की तरफ फास्ट मोमेंटम करता है तो अपने को प्रॉफिट हो सकता है। देखो 900-950 ये वापस से धीरे धीरे रिकवर हो रहा है। मैं बिल्कुल आपको लाइव ट्रेड कर रहा हूँ तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना।
मैं बिल्कुल डीसी प्लान की तरह काम कर रहा हूँ और मैं बिल्कुल 1:1 का ही 1:2 का प्लान कर रहा हूँ कंटिन्यू। तो मैं पिछले 6-7 दिन से लॉस में था, तो आज अपन देख लेते हैं प्रॉफिट होता है लॉस होता है। देखो वापस से एक मोमेंटम किया हुआ है और मेरा लॉस चल रहा है 1,1100 का। तो मैं इसके अंदर 5 मिनट के अंदर कन्वर्ट हो जाता हूँ और देखते हैं देखा क्या मोमेंटम रहता है। देखो ये ऊपर वापस एक ऊपर तेरा मोमेंटम किया हुआ है और 5 मिनट का कैंडल क्लोज होने में 1 मिनट बाकी है और मेरा लॉस चल रहा है 1,150-1,150 का। अगर निफ्टी का मोमेंटम करेगा तो बैंक निफ्टी भी एक अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर आएगा, तो अपन देखते हैं देखा किस हिसाब से रहता है। अभी 1,100-1,150 का लॉस चल रहा है और ये लो लगा के आया है 77 का। 15 मिनट का कैंडल क्लोज होने में अभी 6 मिनट बाकी है, तो अपन देखते हैं अगर 6 मिनट तक यहाँ पे होल्ड करता है तो एक ऊपर की तरफ एक प्रीमियम ऊपर की तरफ मोमेंटम कर सकता है। जब तक 52,000 नहीं टूटेगा जब तक अपना टारगेट भी नहीं होगा, अभी 84 पॉइंट दूर है इसके अंदर। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। तो एक वापस से मोमेंटम गया, देखो बैंक निफ्टी 52,000 रेंज को तोड़ने वाला है और मेरा अभी लॉस चल रहा है 500-550 का। मैं कोस्ट टू कोस्ट चलने वाला हूँ और मेरा प्रीमियम अभी 96 और 98 प्रीमियम चल रहा है। तो देखते हैं ये किस प्रकार से मोमेंटम कर रहा है और 15 मिनट कैंडल क्लोज होने में अभी 1 मिनट बाकी है, तो 1 मिनट का अपन देखते हैं देखो कैसे निर्णय रहता है। देखो ये तेजी के साथ एक मोमेंटम कर रहा है और मेरा लॉस अभी 300-350 का लॉस चल रहा है। 99 और 100 का प्रीमियम देखो अभी भी चल रहा है और ये वापस से तोड़ते हुए ये 52,051,500 तक ये मोमेंटम कर सकता है। देखो मैं प्रॉफिट में आ चुका हूँ और मेरा प्रॉफिट अभी 200-250 का प्रॉफिट चल रहा है। देखो 500-550 का ये फास्ट मोमेंटम करता है तो अपने को टारगेट भी इजी भी कंप्लीट हो जाएगा। तो अपन देखते हैं देखो क्या इंसेंटिव रहता है मार्केट का। अभी मेरा प्रॉफिट चल रहा है 300-350 का, एक वापस से मोमेंटम किया है और इसका टारगेट 51,500 का रहेगा, तो मैं इस 51,500 पे मार्क कर लेता हूँ इसके अंदर। 51,500 मार्क कर लिया और मेरा अभी प्रॉफिट चल रहा है 750-800 का। और मैं एक मिनट के अंदर 5 मिनट का देख लेता हूँ 5 मिनट का क्या मोमेंटम है। देखो 5 मिनट के अंदर एक ऊपर की तरफ मोमेंटम किया हुआ है, अगर 130 के ऊपर निकलता है तो एक अच्छा खासा मोमेंटम आ सकता है। देखो 1,000 का प्रॉफिट चल रहा है और ये फास्ट मोमेंटम करेगा और ये 51,500 तक ये आ सकता है। तो अपन देखेंगे आज भी अपना लॉस होगा प्रॉफिट होगा, मैं बिल्कुल वेट करूंगा इस ट्रेड के अंदर। और जब तक अपना 1:2 का टारगेट कंप्लीट नहीं देखो ये 1,700-1,800 को अपना हो रहा है। अगर अपना 1:1 का टारगेट अगर इजी वे कंप्लीट हो जाता है तो मैं इसके अंदर कोस्ट टू कोस्ट आ जाऊंगा। और देखो ये मेरा 1:1 का टारगेट कंप्लीट होने वाला है, मेरा 2,220 का प्रॉफिट चल रहा है। अभी अगर 130 के ऊपर निकलता है तो अपने को एक प्रॉफिट होगा और ये गैप फिल कर सकता है और 168 तक ये आ सकता है। ये हाई लगा के आया है, मैं आपको बताता हूँ ये हाई कितना लगा के आया है। देखो 2,500-2,550 का भी प्रॉफिट चल रहा है और ये 500 तक आ सकता है, तो देखो 2,300-2,400 तो मैं इसको मार्क कर लेता हूँ। देखो ये 135 हाई मार के आया है और अपना 1:1 का टारगेट तो कंप्लीट हो चुका है। अब मैं इसको ट्रेल करूंगा क्योंकि मैं कंटिन्यू 6-7 दिन से लॉस में हूँ, तो आज अपन लॉस में बंद नहीं करने वाले, अपन कोस्ट टू कोस ही बंद करेंगे। देखो वापस ये सेलिंग प्रेशर अभी भी बना हुआ है और 15 मिनट का कैंडल क्लोज हो चुका है और 10 बज चुके हैं और मेरा प्रॉफिट 2,300-2,400 चल रहा है। देखो 2,600 मैं बिल्कुल आपको लाइव ट्रेड करके बता रहा हूँ, तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। देखो 2,700 का अभी मेरा प्रॉफिट चल रहा है इसके अंदर, 2,800 4,000-4,500 अपन देखेंगे इसके अंदर। 4,500 पे अपन बुक भी कर सकते हैं इसके अंदर, क्योंकि तो मैं प्रीमियम काफ़ी दूर का ले रखा हूँ जिस वजह से। और अपन निफ्टी देख लेते हैं निफ्टी का क्या मोमेंटम है। देखो निफ्टी भी एक अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर बना हुआ है और 24,182 तक आ सकता है और मेरा अभी देखो 2,700-2,800 का प्रॉफिट चल रहा है। तो अपन देखते हैं देखो क्या इसके प्रकार से मोमेंटम करता है। तो मैं इसको धीरे धीरे ट्रेडिंग करता रहूंगा और अपन देखो ये निफ्टी फास्ट मोमेंटम कर रहा है और बैंक निफ्टी 500-550 का मोमेंटम कर चुका है। जैसे ही 4,000-4,500 का प्रॉफिट आएगा मैं इसके अंदर बुक करने वाला हूँ। तो देखो तीन अभी मेरा 2,700-2,850 का प्रॉफिट चल रहा है और मैं 5 मिनट का चार्ट लगा रखा हूँ, तो इसके अंदर मैं 15 मिनट के अंदर आ जाता हूँ और 15 मिनट के अंदर देख लेता हूँ। तो ये देखो ये गैप फिल कर सकता है एक अच्छा खासा और मेरा टारगेट भी जब भी कंप्लीट हो सकता है, तो मैं इसके अंदर रेडी रहता हूँ। देखो 3,200-3,250 का प्रॉफिट चल रहा है और ये फास्ट मोमेंटम कर रहा है, तो मैं इसी पे एग्जिट होने वाला हूँ। और तो मैं इस सबसे पहले ये ऑर्डर को कैंसिल करता हूँ, उसके बाद मैं पोजिशन को एग्जिट करूँगा। तो देखो ये फास्ट मोमेंटम कर रहा है, 3,600-3,650 का भी प्रॉफिट चल रहा है। तो देखो मैं इसके अंदर एग्जिट कर देता हूँ और थोड़ा वेट करूँगा इसके अंदर, क्योंकि तो ये वापस से न्यूट्रल ऊपर कर सकता है। तो देखो मैं इसके अंदर एग्जिट करने वाला हूँ, तो मैं इसके अंदर एग्जिट हो चुका हूँ, किंतु एक अच्छा खासा मोमेंटम किया है और 51,800 पे मैं एग्जिट हो गया, किंतु मैं कंटिन्यू 4-5 दिन से लॉस में था जिस वजह से ये मार्केट वापस से ऊपर की तरफ मोमेंटम कर सकता है। तो मैं एक मिनट 5 मिनट के अंदर देख लेता हूँ बैंक निफ्टी।
अगर मेरे को सेकंड हाफ में कोई अगर ट्रेड बनेगा तो मैं इसके अंदर ले लूंगा, और मेरा टारगेट 1:1 का रखूंगा इसके अंदर। तो अभी देखता हूँ, मैं आपको बताता हूँ मेरा टोटल प्रॉफिट कितना है। मेरा टोटल प्रॉफिट 4036 है और मेरा टोटल कैपिटल 27,400 कंप्लीट हो चुका है। तो देखो, मैंने 102 पे एंट्री किया था और 147 पे मैंने एग्जिट कर दिया, और अभी प्रीमियम चल रहा है 141 142। अब मैं सेकंड हाफ में कोई ट्रेड प्लान करने वाला हूँ। अगर मेरे को 1:1 का कोई टारगेट दिखेगा प्राइस एक्शन के हिसाब से, तो मैं नेक्स्ट कैंडिडेट ट्रेड प्लान करने वाला हूँ। किंतु मैं आज कहीं जा रहा था, जिस वजह से मैं आज 1:1 का ही प्लान कर रहा हूँ। तो अब मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर प्लान करूंगा। तो आई होप ये वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।